नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि 10 दिन के गणपति चल रहे हैं, तो आज हम उनके लिए उनका प्रिय भोजन मोदक बना रहे हैं। मोदक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी पानी लिया है, डेढ़ कटोरी पानी लिया है मैंने, एक कटोरी और आधी कटोरी। उसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, थोड़ा डालना है। जब पानी हमारा उबलने लगेगा तब हम उसमें चावल का आटा डाल देंगे, और चावल का आटा डालते ही आपको एकदम उसे घुमा देना है गैस बंद करके। इस तरह से आप घुमा दें। अगर आपका चावल का आटा एक कटोरी है तो आप डेढ़ कटोरी पानी डालें। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने की रख देंगे, और बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का गर्म हो तब भी आप इसे आटे की तरह गूंद लें, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। घी का हाथ लगाकर और थोड़ा पानी का हाथ लगाकर गूंदें, जैसे हम लोग गेहूँ का आटा गूंदते हैं, सॉफ्ट कर लें। एक कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला है, थोड़ा नारियल डाला है, ये कच्चा नारियल लेना है यहाँ पर, हमने गोला नहीं लेना। जब नारियल आपका बन जाए तब आप उसमें गुड़ डाल दें। अगर आपका एक कटोरी नारियल है तो आप उसमें आधी कटोरी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ डालें, और गुड़ को बहुत ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है। जब हमारा गुड़ और वो नारियल घुल जाए एकदम से गुड़, तब आप उसमें जायफल डाल दें थोड़ा घिसकर। इलायची का पाउडर डाल दें, 8-10 इलायची मैंने ली है यहाँ पर। अच्छी तरह से हमने अपने आटे को गूंद लिया है बिल्कुल इस तरह से। अब आप इसको ये भी ठंडा कर लें, आप अपना जो बैटर भरने वाला है नारियल गुड़ वाला, गरम नहीं भरना। इस तरह से आप मोल्ड मिलते हैं मार्केट में आपको सांचे, उसके अंदर आप थोड़ा घी लगा लें, चिकना कर लें उसको, और इस तरह से आप उसको चावल का आटा आप इसमें भर दें। हाथों से ये बनाने थोड़े मुश्किल हैं, या तो जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, महाराष्ट्र में तो हाथ से ही बनाते हैं सब, तो जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है वही बनाएं, वरना आपके मोदक ख़राब भी हो सकते हैं, हाथ से बनने मुश्किल होते हैं। इसके बीच में आप भर दें, होल कर दें इसके अंदर अंगूठे से, और इस तरह से आप उसको भर के ऊपर से कवर कर दें, और साइड से आप खोलेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे आपके मोदक। चावल का आटा थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, तो इसके मोदक आप जब हाथ से बनाएंगे तो वो इतनी आसानी से बनते नहीं हैं, या तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो इसीलिए आप पहले से ही आप सांचे मंगवा के रख लें, इस तरह से सांचे के अंदर बनाएं आप। हमारे सारे मोदक बिल्कुल बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब हम इनको स्टीम में पकाएंगे। 20-25 मिनट तक आप इसे कम से कम स्टीम में पकाएं। पानी डाला है मैंने बर्तन में, और उसमें हम एक बर्तन रखेंगे जो इसका होता है, ये जाली वाला बर्तन है इसका। इसके अंदर आप या तो कोई कपड़ा बिछा दें पतला, या चिकना कुछ लगा के हाथ से, फिर उसमें मोदक रखें। आपके पास अगर वो नहीं है तो एक पतीले में आप पानी डालें, और जो आटा छानने वाली छन्नी होती है उसके अंदर आप पतला कपड़ा बिछा कर और सारे मोदक रख दें। ऐसे टच करके देख लें, अगर आपके हाथ में मोदक चिपक रहा है तो यानी वो नहीं बना है अभी। जब बिल्कुल आपका मोदक लगे कि बन गया है, चिपकेगा नहीं तब बन गया है समझिए, तो हमारे मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप गणपति महाराज को चढ़ाएं मोदक, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब आप सब को अगर ये रेसिपी पसंद आई है मेरी, तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।